हाय गाइस, वेलकम टू एमपी एग्जाम इन 10। एंड मैं वैशाली राय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको इसके बेनिफिट बताने वाली हूँ। हमारा ये जो चैनल है, ये अनअकैडमी का ही एक चैनल है, पर सबसे बड़ा प्रिविलेज आपको ये है कि कभी आपको किसी टॉपिक को बहुत कम टाइम में रिवाइज करना है तो आप हमारे चैनल पर जाके किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे कि हमारे इस चैनल पे किसी भी वीडियो की जो मैक्सिमम लेंथ है वो है मात्र 10 मिनट की, तो 10 मिनट के अंदर आप किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम वैशाली राय है, मैंने बीबीएन बीपीएड किया है बीएसएस कॉलेज बकतुल्ला यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ मैंने क्लैट कैट और एमपीपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाया है और मेरे पास 5+ टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने सीएससी मेन्स लिखा है 2016 और 2017 में, वहीं मैंने एमपीपीएससी मेन्स दिया 2017 और 2018 में। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको 30+ कोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। ये आपको क्या क्या देता है, ये आपको डेली लाइव इंटरेक्टिव सेशन देता है जहाँ आप टीचर से चैट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वहीं आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस देता है जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को मंथली वीकली बेसिस पे इवेल्युएट कर सकते हैं और डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस का। स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो बेसिकली हम सिलेबस की लाइन में बना, ताकि हम आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस होता है जहाँ पर आप जो है, अगर आप उससे कोई क्लास मिस हो गया, किसी क्लास को आपको दोबारा देखना है तो आप वहां जाके किसी भी क्लास को दोबारा देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी उसे देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी ई लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। छोटा सा क्यों, क्योंकि जो हमारा दाम है वो मार्केट प्राइस के 10% से भी कम है। अगर मैं एक साल की बात करूँ तो मार्केट में हमें 70 से 80 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं, वहीं 2 साल का हमें कम से कम 1.5 लाख रुपये पे करने पड़ते हैं। वही चीज अनअकैडमी आपको मात्र 7,000 रुपए में देती है, वो भी घर बैठे बैठे। अगर आप वहां पर भी मेरा कोड लगाएंगे जो कि है वैशाली BAISHL, तो वो मात्र आपको 6,300 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि आपको मेरे कोड से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं 24 महीने की बात करूँ जिसकी कीमत 8,400 रुपए है और वहां आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि है वैशाली BAISHL, तो वो मात्र आपको 7,560 रुपए का पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7581892200, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं @वैशाली00। तो आज जो मेरा टॉपिक है, मैं वैदिक एज के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आज तक पढ़ाऊंगा आपको उपनिषद क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं, वेदांत क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं और स्मृतियां क्या होती है। तो उपनिषद की बात करूं मैं, तो हमने उपनिषद से स्टार्ट करते हैं। तो उपनिषद जो है वो विषय सामग्री की दृष्टि से वेद के 3 भाग है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान ज्ञान कांड। तो जो 3 चीजें उपनिषद में क्या क्या है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड के में जगत में मूल महत्व का है विचार किया गया है और ज्ञान कांड का विकास उपनिषद से मिलता है। उपनिषदों की रचना संहिताओं और ब्राह्मणों और अरण्यकों के बाद हुई है, अतः इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो इनके जो है, जो हमने पहले इसके संहिताएं पढ़ी थी, ब्राह्मण पढ़ते, अरण्यक पढ़ते, इनके बाद जो है उपनिषदों की रचना हुई थी। और उपनिषदों में के बाद जब इसकी रचना, तो हम वेदांत नाम से जानते हैं, या वेदांत इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। तो 3 तरह के होते हैं, कौन से, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। उसके बाद उपनिषदों की रचना विभिन्न कालों में हुई और इनकी संख्या 108 बताई जाती है, इसलिए हम हमेशा 108 नाम की मालाएं जपते हैं, क्योंकि हमारे जो उपनिषद है वो 108 है। लॉजिक समझ में आया। इसमें 11 उपनिषद विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ईशा, केन, कंठ, प्रश, मुंडक, मांड्यू, तैत्रिया, ऐत्रेय, छंदोदय, बृहदारण्यक और श्वेता 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 श्वेतर। ठीक है, जो हमारे ये 11 उपनिषद है कौन कौन से, ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, तैत्रिया, ऐत्रेय, छंदोदय, बृहदारण्यक और श्वेता श्वेतर। ये जो 11 है, इस तरह के उपनिषद विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 108 टोटल है लेकिन 11 बहुत प्रसिद्ध है। वास्तव में आर्णकों का मनन संबंधी विषयों का, जैसे आत्मा, आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्मा, जन, मृत्यु, प्राकृति आदि का उल्लेख किया गया है और उपनिषदों में उन्हीं के विस्तार पर विचार किया गया है। तो अब आप बताइए, हमारे जो वेद थे, ठीक है, उसका संहिता है, अलग अलग वेदों की अलग अलग संहिताएं होती है, यजुर्वेद, इन सबकी संहिताओं के बाद उनकी डिक्शनरी, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्राह्मण में जो डिक्शनरी फॉर्म है उसके लोग श्लोक है उसका मतलब बताया, फिर अणक्या को क्या हुआ था उसमें जीवन की फिलोसफी बताई, फिर और जो जीवन की फिलोसफी हमें ब्राह्मणों में बताई गई है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उपनिषदों में उसी का ही विस्तार रूप से उल्लेख किया गया है, तो उसे हम अब उपनिषद कहने लगे।
सूत्र की बात करो तो पुराने समय में लेखन सामग्री के अभाव में सब कुछ कंठस्थ ही रखना पड़ता था, क्योंकि कुछ था नहीं लिखने के लिए। इसलिए अनेक बातें एवं रीति रिवाज ऐसे थे जिन्होंने सूत्र के रूप में आबद्ध कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ कि पुराने समय में कुछ था नहीं राइटिंग मटेरियल था, तो इन सबको वो लोग याद कर लेते थे, और याद करने के बाद और कुछ और कस्टम्स होते जिन्हें सूत्र में आबद्ध मतलब बांध लिया है। सूत्र 3 प्रकार के थे, श्रोता श्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र। 3 तरह के सूत्र होते हैं, श्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र, जिसमें यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान एवं कर्मकांड का विवेचना विवेचन है। तो जिसमें क्या है, कर्म कांड से रिलेटेड जो संबंधित जो बाकी चीजें हैं उसे हम श्रोत सूत्र में कहते हैं। वहीं जो हमारा धर्म सूत्र होता है, जिनमें सामाजिक रीतियां रिवाजों दीवानी तथा फौजदारी कानूनों के विषय में लिखा गया है। तो दीवानी रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, दीवानी मतलब सिविल, फौजदारी मतलब जो हमारे और दायरे में हम कहेंगे क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, उन सब के बारे में धर्म सूत्र में लिखा गया। और गृह सूत्र में लिखा गया जिसमें मनुष्य को समस्त जीवन के संस्कारों पर प्रकाश डालना होता है, मतलब तो उसको पूरी जो लाइफ उसकी लाइफ की हाईलाइट जो है वो गृह सूत्र में दिखाई गई है। वहीं अगर मैं वेदांग और उपवेदा की बात करूं, तो वेदांग का अर्थ है वेद के अंग वेदांगों से वेदों के अध्ययन से सहायता मिलती है। वेदांग 6 है, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष वेदांगों की रचना सूत्रों से की गई जिसमें वे याद रह सके। तो जो वेदांग है वो 6 थे, कौन कौन से, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष वेदांगों की रचना सूत्रों में की गई जिसमें से याद रह सके, ताकि उन्हें वो सब चीजें याद रह सके। इसके अतिरिक्त कई उपवेद भी है जैसे अजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद आदि। तो कुछ अर्थ और ये उपवेद है किनके, जो हमारे मेन 4 वेद है उन्हीं के ही उपवेद है। उसके बाद इनमें औषधि संबंधी ज्ञान, युग कला, भवन निर्माण कला आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ अगर मैं पुराण की बात करूं, पुराण का अर्थ होता है पुराना, पुराना पुराणों में हिंदुओं का प्राचीन इतिहास है, ये संस्कृत भाषा में है। तो जो हिंदुओं का जो इतिहास है वो पुराणों में कहा जाता है। पुराण का मतलब होता है पुराना, और इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, संस्कृत भाषा है। इसमें संसार की उत्पत्ति आदि का विशद वर्णन है। पुराण संख्या में 18 है और प्रत्येक 5 भाग है, मतलब 18 हमने कहा था 18 पुराण है, और साथ ही हर हर पुराण में 5 भाग में बांटा गया है हर पुराण को। सोचिए कितने भाग होंगे, 18 पंजे कितने होते, 90 भाग है हमारे पुराण का टोटल, हमारे कितने पुराण है, 18 पुराण है। तो पहले भाग में संसार की उत्पत्ति का वर्णन किया, पहले भाग में क्या बताते हैं कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है। वही जो दूसरा भाग है उसमें संसार की पुनरुत्पत्ति मतलब जो रिसरेक्शन मतलब जो वापस से अगर मान लीजिए ओरिजिन तो हो गया लेकिन बाद में कुछ हो जाता है तो उसका जो रिसरेक्शन हुआ है वो कैसे वो बताया। तीसरे भाग में देवताओं के वंश क्रमों को वर्णन किया है कि मतलब जो उन्हें जीनोलॉजी जो हमारे भगवानों की गॉड्स की वो कैसी रही है। फिर जो फोर्थ पार्ट था उसमें महापुरुषों का वर्णन है मतलब जो ग्रेट मैन जो स्कॉलर्स थे उनके बारे में बताया गया है। वही जो 5वां भाग था उसमें राजवंशों का इतिहास बताया गया है। पुराण अलग अलग समय में लिखे गए हैं, उनकी भाषा तथा विषय में बड़ा अंतर, क्योंकि अलग अलग टाइम में लिखे गए तो अलग अलग लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट भी चेंज हो जाते हैं। कुछ प्राण तो बहुत प्राचीन में लिखे गए थे और कई बाद में लिखे गए थे। कुछ प्राणों का समय 600 से 700 BC की पूर्व था और कुछ का 500 से 600 AD मतलब ऑलमोस्ट 1200 साल के गैप में था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में धार्मिक पुस्तकों में पुराण सबसे अधिक उपयोगी है। तो अगर फाइनली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पुराण सबसे यूजफुल रिलीजियस बुक है। पुराणों में अनेक राजवंशों, राजाओं के नामों और अनेक राज्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त है। साथ ही इतना ही नहीं, कई राज्यों के राज्यकाल की विशिष्ट घटनाओं को भी इन पुराणों में वर्णन है, जिसकी सभ्यता का ज्ञान शिलालेखों, सिक्का तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से हो चुका है। स्मृतियों की बात करूं तो यह धर्म ग्रंथ है जिसमें आचरण संबंधी नियम तथा उपनियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें जैसे मनुस्मृति, पराशर स्मृति आदि, इन स्मृतियों में मनुस्मृति का स्थान सर्वोपरि है। यह कानून का एक ग्रंथ है जिसमें सहायता दंड व्यवस्था की में बराबर ली जा सकती है। हिंदू कानून में मनुस्वास्थ्य का विशेष ध्यान है। तो यहाँ हमारे ये सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7581880200। और आप मेरा ये जो वैशाली जो कोड है अगर आप इसे लगाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 महीने का कोर्स आपको 6300 का पड़ेगा, वही 24 महीने का आपको 7560 रुपये का पड़ेगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर करिएगा, और आप अगर मेरे कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज गाइज। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। बाय बाय।